बात, पहली बात तो ये हो सकता है कल मान जाए, ठीक है, लेकिन मंदिर तो वहीं बनेगा भाई। रवि है मेरे साथ, रवि हाथ दिखाइए जरा अपना। रवि को बहुत गुस्सा भी है क्योंकि मैं कल खुद उस मौके पर मौजूद नहीं था, तुगलकाबाद में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था और रवि 19 अगस्त को एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लाठी चार्ज हुआ है। क्या क्या कितने पुलिस वालों की संख्या? तो आप सबको मेरा जय गुरुदेव, तन गुरुदेव। देखिए हम लोग 19 तारीख को हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। हमने जैसे हमारे पंजाबी भाइयों ने 13 को पंजाब बंद का आह्वान किया था तो हमने 19 को दिल्ली बंद और 21 को हमारी इंटरनेशनल कॉल थी, तो हमने कहा था कि हम उस दीवार के पास जाकर के संत गुरु रविदास जी की जोत जलाना चाहते हैं क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। लेकिन जैसे लोग घरों से बाहर निकले और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद प्रशासन से हमने कहा कि भाई अगर हजारों लोग नहीं जा सकते। रवि ऐसे सर देखिए, रवि का पूरा कान जो है वो फटा हुआ है, इनके सर पे टाँके हैं, इनके हाथ पे पूरा बैंडेज है। पुलिस वाले की ज़्यादा डिप्लॉयमेंट थी क्योंकि मैं था नहीं। पुलिस तो वहाँ पे थी लेकिन हमें हाथ से या हमारे कान से हमें भय नहीं है। मंदिर तो वहीं बनेगा चाहे वो शांति से हो या क्रांति से हो। और एक बात मैं और कह दूं, जो लोग कहते हैं कि हमारे रहबर को सिर्फ बहुजनों का भगवान कहा गया है, वो उनकी गलतफहमी है साथियों। महाराणा प्रताप के अगर कोई राज्य वंश के को अगर गद्दी के गुरु हैं तो हमारे रहबर संत गुरु रविदास जी हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के वो राजगुरु हैं साथियों। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा, अगर आप लोग नहीं मिल रहा, आप लोगों से नहीं मिल रहा, जो लोग अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हैं, हमें हिंदू बताते हैं, लेकिन आज जब हमारे रहबर की बात आई तो हमें दलितों से जोड़ा गया साथियों। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। कितने लोग इंजर्ड हुए थे वहाँ? लगभग एक दर्जन से ज़्यादा हमारी बहनें थी, एक दर्जन से ज़्यादा हमारे युवा साथी थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस ने बटों से, लाठियों से, डंडों से और हमारे खुद मेरी छाती पर पेट पर उन्होंने जूतों से मारा है। तो युवा शक्ति दल के रवि हैं जो कल उस प्रोटेस्ट में 19 को शामिल थे और आज 20 है, 21 को कल दिल्ली में। मैं एक और अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे था, लेकिन साथियों दिल्ली पुलिस ने कहा है कि संख्या ज़्यादा है, ये संख्या कुछ भी नहीं है। संख्या तो उस दिन ज़्यादा होगी कि जिस दिन हमें आश्वासन दिया जाएगा कि उस दिन मंदिर बनेगा, क्योंकि जो हम कल मांगने जा रहे हैं, अगर उस दिन मंदिर नहीं बना तो दिल्ली जंतर मंतर का स्थान चेंज करके रामलीला मैदान कर दिया गया है। तो आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ, रामलीला मैदान स्थान को जो है बना दिया गया है, सब लोग दिल्ली जंतर मंतर ना पहुंच करके रामलीला मैदान पहुंचे, भारी संख्या में पहुंचे और एक नारा रहबर के नाम से जरूर लगाएं साथियों, क्योंकि अगर मंदिर नहीं बना तो हम लोग मरना मिटना मंजूर करेंगे लेकिन बनाएंगे जरूर। रवि भाई, पंजाब से हम लोग रविदास के लोग थे के हैं और तमाम लोग यहाँ जमा है, जो संत लोग हैं वो भी जमा है, वो बात कर रहे हैं, तमाम युवा जो हैं वो जमा हैं और लोग बात कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, मैं इस समय दिल्ली में हूँ जहाँ काफ़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं और उनकी डिमांड है कि किस तरह से पंजाब से काफ़ी संख्या। आप लोग पंजाब से हैं सब लोग? पंजाब से आए हुए। पंजाब को 13 में एक मैसिव प्रोटेस्ट था, जसविंदर जी हैं मेरे साथ। मैम आप भी पंजाब से आई हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी जो संतों ने डिमांड रखी है, जो संत समाज ने फैसला लिया है, हम संत समाज के लिए आए हैं। संतों ने डिमांड रखी है, जो सरकार को, प्रशासन को जैसा संत कहेंगे हम संतों के पीछे लगेंगे, संत के पीछे लगेंगे। तो संत शिरोमणि रविदास के जो रविदसिया समाज के राष्ट्रीय संत हैं, अध्यक्ष भी हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे बिल्कुल धर्म की कम जानकारी है, मैं संत शिरोमणि रविदास जी का बड़ा कायल हूँ, मैं उनको सोशल साइंटिस्ट कहता हूँ, समाज वैज्ञानिक, बुद्ध कवि रविदास। तो क्या लगता है सर, ये सिर्फ लगता है सिर्फ जमीन, उस जमीन चाहती थी सरकार इसलिए सारी चीज़ें हुई हैं? ऐसा ही हुआ गया ना, वास्तव हमारा पोजीशन था, मंदिर था, बहुत सालों से था, आज हमने जाकर कब्जा नहीं डाला है, वहाँ रिकॉर्ड में नाम है, कोर्ट के माध्यम से भी सिद्ध हुआ था, फिर भी हमारे ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां भी, कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आम आदमी पार्टी ने रैली निकाली है, क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, कोई बातचीत करने की कोशिश की है किसी ने आप लोगों से? हमारे तरफ से तो बहुत किया लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन मिला था? मिला है, ओला उन्होंने मिला। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट को भी कहा है। देखिए पूरी दुनिया में, कनाडा में से तस्वीरें आई है मेरे पास, उसके बाद लंदन में, अमेरिका में, तमाम जगहों पर लोग नाराज हैं, इससे पहले भी दिया गया था। रविदसिया समाज के लोग हैं वो बहुत नाराज हैं और संत शिरोमणि रविदास जो हैं वो किसी जाति बिरादरी के नहीं थे, वो सामाजिक धरोहर हैं,
वो देश के धरोहर थे, वो भारत के सोशल साइंटिस्ट थे जैसे बुद्ध थे, और उनकी मंदिर को जिस तरह हमारा एक हुआ है कि जो कल का फंक्शन था ना, वो फंक्शन जो हमारे सभी संतों ने मिलकर संगत को तकलीफ ना हो इसलिए फंक्शन को हम रामलीला शिफ्ट किया, वो मैंने बता दिया दर्शकों को, बता दिया। तो कल रामलीला शिफ्ट किया गया, रामलीला से ये लोग अम्बेडकर भवन जाएंगे, अम्बेडकर भवन से जंतर मंतर तक ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और देश भर से मेरी जानकारी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। 13 अगस्त को पंजाब में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, बंद कॉल किया गया था। दिल्ली में इन लोग आ चुके हैं, कल जंतर मंतर का घेराव करेंगे, और जो तुगलकाबाद में 600 साल पुरानी जो जो आश्रम था संत शिरोमणि रविदास जी का, उसको जिस तरह से डिमोलिश किया गया है, लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ज़मीन की वजह से उनके आस्था को ही नहीं, उनके भरोसा को, और संत शिरोमणि रविदास किसी जाति मजहब के नहीं थे, वो महापुरुष थे, भारत के धरोहर थे, हेरिटेज थे, जैसे पूरी दुनिया बुद्ध को मानता है वैसे ही रविदास जी को मानता है, और इसलिए लोग आहत हैं। भले ही इसको बहुजन समाज से जोड़ के देखा जाए, लेकिन ये भी सच है कि बहुजन समाज के लोग काफ़ी गुस्से में हैं, और कल लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।